और इस बीच एक और बड़ी खबर है, 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये वर्चुअल संबोधन सुनाया जाएगा और 403 विधानसभा क्षेत्रों में 1,000 कार्यकर्ता भाषण सुनेंगे। 50 लाख से ज्यादा मतदाताओं को भाषण का लिंक भेजा जाएगा। तो एक बड़ी वर्चुअल सभा होने जा रही है। 10 फरवरी तक ऐसे 5 जनसभाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और अर्थव्यवस्था विषय पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और 50 लाख लोगों तक ये लिंक पहुंचाए जाएंगे। तो एक बड़ा कैंपेन है और वर्चुअल स्तर पर बीजेपी तो 2014 से ही ये काम कर रही है। ऐसे में जो कम से कम वर्चुअल कैंपेन है उसमें बीजेपी मजबूती के साथ जमीन पर जमी हुई है।